तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने इसके लास्ट पार्ट को नहीं देखा तो वो पार्ट आपकी इस वीडियो के ही इन डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो वहां पे जाके लास्ट तक देख के इसके लास्ट पार्ट को भी देखना। और शायद हमारे अपकमिंग जो भी आर्ट कमीशन आने वाला है शायद यही रेफरेंस शायद उसमें भी हो सकता है, तो अभी से ड्रॉ करके रख दो। मतलब जैसे जो भी मैं रेफरेंस फोटो ड्रॉ करता हूँ उन सभी रेफरेंस फोटो आर्ट ऑफ मैं आर्ट कमीशन में रखता ही हूँ ड्रॉ करने के लिए। तो पहले ड्रॉ करके रखो, उससे क्या होगा आप और बेटर नेक्स्ट टाइम अगर फिर से ड्रॉ करें तो आपका आर्ट वर्क पहले से बेटर ही होगा, इससे आपका बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगी। देखते हो यहाँ पे जैसे नेक गले को ड्रॉ करके हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हेयर्स को, उसके बाद जो भी हेयर्स जो भी बाकी हेयर्स के ऊपर जो भी आपको दिख रहा है फ्लावर्स मयूर के पंख सभी कुछ जो है ड्रॉ कर देंगे। ऊपर के जितने भी पार्ट ड्रॉ करना है बैकग्राउंड को छोड़ के, पहले तो फिर फर्स्ट लेयर में मैंने जो है ब्लैक कलर अप्लाई किया, उसके बाद उसके ऊपर जो जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइटेड छोड़ दिया तो वहाँ पे मैंने व्हाइट कलर अप्लाई किया, उसके बाद फिंगर से कॉर्नर से उसी डायरेक्शन में ब्लेंड कर रहा हूँ जिस डायरेक्शन में रेफरेंस फोटो में जो हेयर्स दिख रहे हैं इस हिसाब से गए हैं जिस डायरेक्शन में, तो आपको इसी डायरेक्शन में करना है। तो देखते हो कैसे कैसे करता हूँ। यहाँ पे फिर से कहीं कहीं जगह पे कुछ जगह पे जो है हाईलाइटेड होना चाहिए तो वहाँ पे डार्क हो गए, तो उनको फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ ऑयल पेस्टल कलर के व्हाइट कलर से। और यहाँ अगर एक बार में उतना हाईलाइट ना हो पाए तो आप दोबारा ट्राई करो, दोबारा भी ना हुआ फिर से ट्राई करो, जितने जब तक आपका जो आप रिजल्ट देखना चाहते हो जब तक ना हो वो रिजल्ट तब तक आपको प्रैक्टिस करते ही रहना यहाँ पे हाईलाइटिंग में। ये हर एक ये जो बातें मैंने कहा है वो हर एक फील्ड में ये बहुत यूजफुल है। कोई भी चीज़ में हम सक्सेस जब तक नहीं पाते तब तक उसमें लगे ही रहना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। सिंपल सी बात है आप लोगों को बताइए, पर चलते बहुत कम लोग ही हैं। और यहाँ पे जो मैं डार्क कर रहा हूँ फिर से उसी डायरेक्शन में जो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा जो है डार्कनेस है, मतलब हेयर्स को 12 इंच से डार्क करने की कोशिश करें। तो कुछ दिन पहले जो है स्पिरिचुअल सवाल ले लेते हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने सवाल किया था कि जो है भगवान भगवान जो हिंदी में लिखा हुआ है शब्द जो हमें हमारे सनातनी हिंदू जो भी कहो दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। हिंदू इसलिए कहा जाता है कि जो पूर्वज एक समय पे जो है सिंधु नदी हमारे यहाँ पास था, वहीं से सिंधु नदी के पास लोगों को जो है सिंधु सिंधु जाके बाद में जो है वो ही हिंदू में कहा गया। वैसे हमारा जो है जो ये हिंदू उसे इनको कहा जाता है सनातनी, जो हम लोग हैं सनातनी। तो यहाँ पे जो सनातनी में भगवान कहा जाता है, भगवान शब्द का और भगवान जो है शब्द पूरा साइंटिफिक है। हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म में कोई भी एक ऐसी चीज़ कोई भी एक ऐसा परंपरा नहीं है जो साइंटिफिक नहीं हो ना हो, और अगर कोई ऐसा परंपरा है जो साइंटिफिक नहीं हो वो सनातनी में सनातन धर्म ही नहीं है, वो कहीं अलग से जो है थोपा गया है या फिर बीच में किसी ने जो है गड़बड़ किया है। कई सारे प्रथा जैसे कि लोग कहते हैं सतीदाह प्रथा, जैसे कि जब पति मर जाते हैं तो उसके साथ साथ पत्नी को भी जला दिया जाता है उसी चिता में, तो ऐसा ये तो बिल्कुल गलत परंपरा है। इसको जो है इसको इस परंपरा को उठाया गया है राममोहन राय या फिर ऐसे कोई नाम मैंने सुना है तो उन्हें क्या है? पर ये अगर ऐसा ही होता हमारे हिंदू सनातन धर्म में, बीच में कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसी गलत परंपरा को जो है एक परंपरा बना दिया जो ये गलत है, पर ऐसा नहीं था जो ओरिजिनल जहाँ पे उल्लेख है जो क्या है वहाँ पे। अगर यही होता तो जैसे राम जी महाराजा दशरथ जी जब देह त्याग रहे या फिर प्राण त्याग रहे थे मर गए थे, तो उसके साथ उनकी पत्नी कौशल्या, आपको पता ही है कौशल्या माता जो भी तीन पत्नी है कोई तो इनमें से कोई एक भी जो है चिता में नहीं गए मरने के लिए। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जो नहीं गए, जैसे कि कुंती माता कुंती जो भगवान का साक्षात दर्शन जो है भगवान का ही रिलेटेड जो है संबंधी कुछ थे, आप लोग कृष्ण जी की या फिर महाभारत देखेंगे तो वहीं पे आपको पता चलेगा क्या रिश्ता था। तो उनकी भी पति मर चुके थे तो उन्होंने भी कभी जो है
कि हाँ यहाँ पे ये उल्लेख है, अगर आप पत्नी खुद से चाहती है कि मैं भी मर जाऊँ, मैं नहीं जीना चाहती, तो कोई मना ही नहीं है। पर ऐसे नहीं कि आपको आपको पति मर गया है तो आपको ही मरना ही होगा, जबरदस्ती आपको आग में चिता में डाला जाए, ऐसा नहीं है। ये लोगों ने बना दिया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं कह रहा था, जो भगवान शब्द का अर्थ, तो देखो भगवान, जैसे कि कई लोग कहते हैं भगवान तो हमने देखा नहीं है, ये बात ये बिल्कुल भगवान है तो दिखता कि नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग सवाल है। ये इसका प्रूफ भी मैं दे सकता हूँ, जैसे कि जो लोग सत्संग सुन रहे हैं, अध्यात्म से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा जवाब, जिन लोग नहीं जुड़े हैं उन लोगों को पता नहीं होता है, और वही लोग जो है नास्तिक हो जाते हैं। जैसे भगवान शब्द का, भगवान है तो दिखते क्यों, ये बिल्कुल रॉन्ग है। भगवान दिखते हैं और हर पल दिख रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं। जैसे भगवान शब्द में जैसे देखो क्या क्या अक्षर है उसमें, भ ग व, और उसमें आकार भी है, मतलब आ भगवान, लास्ट में है न। इन सभी शब्द का अर्थ जो है पांच चीजों से जो प्रकृति से जुड़ा है, नेचर भी भगवान से, एक तरफ से कह लो नेचर और भगवान। भ में भूमि, वो भी नेचर का अंश है, भूमि मतलब धरती, जितने भी धनिया आपको दिख रहा है धरती का अंश, तो आप जिस मोबाइल से वीडियो को देख रहे हो वो मोबाइल भी कहीं ना कहीं धरती से ही बना है, मतलब उसमें कुछ मटेरियल ऐसे है जो धरती से जुड़े थे, रिलेटेड थे। उसके बाद है गगन मतलब आकाश, तो स्पेस एरिया जहाँ पे भी आप देख रहे हो स्पेस एरिया, खाली जगह, वो भी एक भगवान का ही अंश है, प्रकृति का अंश है, भगवान का अंश है। उसके बाद है ग, ग मैंने कह दिया वाह, मतलब व, पहले तो व है, तो व में वायु, जो आप अभी श्वास ले रहे हो, ले रहे जहाँ भी वायु, बिना वायु के कोई नहीं जी सकता, वायु भी भगवान का ही अंश है, मतलब भगवान से ही है, वायु भी एक भगवान है, प्रकृति से जुड़ा है। उसके बाद है न, वाह अग्नि, वहाँ पे अकार है तो वहाँ पे अग्नि, अग्नि भी तो आप तो देख ही रहे हो। उसके बाद है उसके बाद न, न मतलब नीर, मतलब जल, यहाँ दुनिया में जितने भी पानी दिख रहा है आपको वो भी भगवान ही, ये सभी जो है प्रकृति से, इन्हीं सब चीज़ों से पूरा प्रकृति नेचर आपको दिख रहा है, जो भी नेचर में आपको दिख रहा है इन्हीं सब चीज़ों में से ही है। फोन देख रहे हो, ये भी एक जड़ प्रकृति है, ये भी एक चीज़ है, उसमें कुछ मटेरियल है जो मिट्टी से बनाई गई, या फिर कुछ ऐसे ऐसे मटेरियल, वो भी कहीं ना कहीं जो है भूमि से, पानी, जल, आकाश, वायु, और इन सब इन्हीं चीज़ों में से ही किसी एक चीज़ से बना गया, या फिर ये इन सभी चीज़ों को मिलाकर बनाया है। इन सभी चीज़ मतलब ये हर जगह व्याप्त है, जहाँ भी देखोगे वो चीज़ आपको मिलेगी, कहीं भी इस पर जगह देखोगे तो वहीं भी आपको दिखेगी, तो मतलब हर जगह आपको भगवान दिख रहा है। तो जो लोग कहते हैं नेचुरली सब कुछ होता है, तो नेचर ही तो भगवान है, नेचर में क्या है, यही सब ये पांच चीज़ से मिलकर जो है नेचर बना है, या फिर नेचर यही पांच चीज़ है, और इसी को हम भगवान कहते हैं, जब हिंदू सनातन धर्म पूरा साइंटिफिक है, इन्हीं पांच चीज़ों के जो प्रकृति से रिलेटेड है उन्हीं से इन्हीं पाँच चीज़ों को मिलाकर भगवान शब्द जो है निकला है, तो भगवान पूरा साइंटिफिक। उसके बाद अब हम जान लेते हैं आखिर ये जो सवाल है तो ये रह गया, सवाल भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, क्या आपने अभी आप देखो आप अपने फोरहेड, आप अपने सिर के बालों को, अपने भी सिर के बालों को जो जड़ है उसको आपने खुद की आंखों से देखा है कभी, नहीं देखा है, पर आप अनुभव कर रहे हो, आपको पता है, अगर आप शीशे में आप देख रहे हो वैसे नहीं, आप खुद की आंखों से आपने जो नहीं देखा है पर है, आप अनुभव कर सकते हो, फिर किसी से पूछोगे तो वो बता देगा। इसी तरह हमारे ग्रंथ है ही, वो अलग इंसान समझ लो जो हमें बता रहा है कि भगवान भी है। और जैसे कि आपको गर्मी लग रही है, आपने कभी गर्मी को देखा है, उसे तो देखा नहीं जा सकता, उसे बस फील किया जा सकता है कि हमें अभी जो है इस समय हमें गर्मी ज़्यादा लग रही है या ठंड लग रहा है, ये दोनों चीज़ देखा नहीं जा सकती, इसे फील किया जा सकता है। अब आप किसी से प्यार करते हैं, इसे भी आप फील कर सकते हो, इसे आप दिखा नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो आपको दिखते नहीं पर आप फील कर सकते हो। इस तरह भगवान भी देखने की चीज़ अभी नहीं है, आप इनको जो है फील कर सकते हो, एक समय के बाद वो भी दिख जाएंगे। जैसे कि पानी गर्म होता है कितने टेम्परेचर में, 100 डिग्री टेम्परेचर में, उतने टेम्परेचर आपके अंदर भक्ति भी होना चाहिए तब आप भगवान भी देखेगा।
जितना मैंने सत्संग से समझा तो उसको हम जो है आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करने की कोशिश की, ताकि आप लोगों को भी, जिन लोगों ने बताया वो उन लोगों को भी अच्छी जानकारी मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री।